डांस करो और गाना भी गाओ। हाँ तो क्या करूँ, क्या क्या देंगे तू मुझे, मैं करके दिखाऊँ? 500 बात दे दूंगी सच में। सच में ठीक है। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी निता और मैं आए हुए हैं एमबीके मॉल इसलिए आए हैं क्योंकि ये अभी जॉब प्लस हो गई है, तो जॉब ढूंढने के लिए आई है एमबीके मॉल पे। चलो जाके जॉब ढूंढते हैं, देखते हैं आज इसको एमबीके मॉल में जॉब मिलेगी या ना मिलेगी। तो चलो लेट्स गो। और मुझे भी जूते भी ख़रीदना है ना, इसलिए मैं भी इसके साथ आ गई। एक्चुअली मैं आने वाली नहीं थी, पर मेरा भी कुछ काम था तो मैंने सोचा चलो यार चल देती हूँ इसके साथ। ये भी तो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जब कभी मुझे उधर जाना होता है इधर जाना होता है तो इसको ही बुला लेती हूँ, तो ये मेरे साथ आती है। तो अभी इसको मेरी ज़रूरत है तो मैं इसके साथ आ गई। और मुझे ना शूज़ भी देखना था इसलिए। तो अभी हम लोग एमबीके मॉल के अंदर एंट्री कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एसी और है ना, बाहर भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए। और ये रही आज की मेरी आउटफिट, निता की आउटफिट देखो। निता ऐसे छोटी छोटी कपड़े नहीं पहनती है, निता फुल पहनती है, फुल क्योंकि मोती है ना। इसको मैं बोलती हूँ थोड़ा कम करो वजन, कम कर दूँगी ऐसे बोल रहा है। देखो एमबीके में काम करना है तो तुमको थोड़ा सा वजन कम करना होगा क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे सुंदर सुंदर लड़के लोग आते हैं, ठीक है, और तुमको भी जल्दी से बॉयफ्रेंड मिल जाए। अच्छा तुमको अभी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा भी नहीं है ना अभी, तो लाइक नहीं नहीं मत लो, मत रखो बॉयफ्रेंड, दिमाग खाते है। हाँ सिंह ऊन करो आज काम नहीं मिलेगा, रो लूंगी ना। अच्छा आज इसको आज जॉब नहीं मिलेगा तो ये रो लेंगे। 3 दिन हो गए ये विदाउट काम करके बैठी हुई है। नीता एक्चुअली काम ढूंढने नहीं आई है, पहले खाने के लिए आई है। इसने बोला पहले एक पेट भरेंगे उसके बाद काम ढूंढेंगे, इसलिए हम लोग खा रहे हैं कुत्तियों मंगवा लिया है। चलो जाके बैठते हैं, लेके आएंगे ना, वो लेके आएंगे क्या, हम लोग खुद लेके जाना पड़ेगा, तुम लेके आएंगे? नहीं नहीं मुझे ऐसे बुरा लगता है यार, मैं थोड़ी ना लाइक कहीं की महारानी थोड़ी ना हूँ, मैं खुद लेके जा सकती हूँ। ये मुझे लेके आई है पर इसको मैं खिलाना पड़ रहा है क्योंकि ये बेचारी जॉबलेस है ना अभी। इसका मजाक उड़ाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे खिलाती है, बहुत ज़्यादा खिलाती थी जब मेरा काम नहीं था तब, अभी मेरा काम है लाइक मेरा भी काम नहीं है फिर भी मैं तो लाइक जाती हूँ ना शॉप में, सो मेरा भी मम्मी मुझे देती है पैसे यूज़ करने के लिए, तो इसलिए मैं इसको खिला सकती हूँ अभी। थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो ये रही मेरी भी कुत्तियों, वो निता का कुत्ती है, खा रही है मोती। नीता अभी इस दुकान पे इंटरव्यू करने के लिए गई है अंदर, मैं बाहर पे इंतज़ार कर रही हूँ इसका, यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। हे भगवान, मैं यही विश करता हूँ उसको काम मिल जाए इस दुकान पे। अब कैसे चेहरा लेके आएंगे देखते हैं, अभी तो चली गई है इंटरव्यू करने के लिए अंदर। मिल जाए मैं यही विश करती हूँ, बेचारी 3 दिन से काम ढूँढ रही है अभी तक मिला नहीं। एक तो नीता को भी चेयर मार दिया है, एक और काम ढूँढ रही है हम दोनों। कोई बात नहीं मिल जाएंगे, तो हाँ आ जाओ, मत रोना यहाँ पर, हाँ मुझे शर्म आती है, मैं तो भाग जाऊँगी अगर तुम रोएंगे तो। जॉब मिला ही नहीं नीता को, तो अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं घर। ओह माय गॉड सो सैड। कोई बात नहीं मिल जाएंगे ना, तुमने फ़ोन नंबर तो ले लिया है ना, जहाँ जहाँ पर जिस शॉप पर ऐसे लगाया हुआ था कि स्टाफ चाहिए है, उस दुकान को फ़ोन करो और पूछो, ठीक है, मिल जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं ना, सब लोग घूर के देखते हैं क्योंकि वो लोग ने कभी मुझे देखा नहीं होगा ना, इसलिए या मैं बस सूरत लग रही हूँ इसलिए देखा। बंदा तुमको शर्म ही नहीं आती ना ब्लॉग करने के लिए? क्यों आऊँ, नहीं आती है मुझे। ऐसा करो, हाँ ये मंचे के बीच में, मंचे नहीं होता है, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में तुम डांस करो और गाना भी गाओ। हाँ तो क्या करूँ, क्या क्या देंगे तू मुझे, मैं करके दिखाऊँ? 500 बात दे दूंगी ना। सच में ठीक है। इतना लोगों के बीच में कैसे, मुझे शर्म तो आती है और क्या करें यार, इसमें तो मैंने बोल दिया है कि मैं करूँगी तो करना ही पड़ेगा। चलो करके दिखाती हूँ, तो फॉर्म पकड़ो तो सही, मैं तुमको मेरा हिम्मत दिखाने वाली आज, हिम्मत कौन सा करना का। इतने लोग हैं सुनते तो।
चलो 500 दो या नहीं है हमारे पास पैसा। तुमने बोला 500 देंगे इसलिए मैं डांस करके दिखाया ना। क्या हुआ ये? मैंने तो प्रैंक किया था ना, मेरे को जॉब नहीं है। मेरे को जॉब नहीं है कुत्ती, इसने मेरे पास मेरे से मेरे को प्रैंक कर दिया। अरे क्या हो गया, नीता की लैंग्वेज हो गया, मुझे प्रैंक किया इसने। चलो बेचारी छोड़ देती है ये, इसके पास अभी जॉब नहीं है, जॉब लेस है, तो जब इसका जॉब लग जाएंगे तब मुझे पैसे दे देंगे, है ना? ओके प्रॉमिस। हाँ ओके। जब मैंने डांस किया ना किसी ने मुझे देखा ही नहीं, थैंक गॉड। अगर लोग देखा हंस रहा था, अरे यार वो लोग रिएक्शन ले लेते, वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं दिखाया? मौसम बहुत ही अच्छी है आज, बिल्कुल गर्मी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, बारिश हो रही है ना, इसलिए बारिश तो रुक गई है पर मौसम कुछ ऐसे है ठंडी ठंडी सी हो गई है बारिश। क्या गा रही थी? बारिश का पानी, ये बारिश का पानी ऐसे होता है क्या? माय गॉड मेरा पानी। मुझे है ना यहाँ पर रील्स बनाना था पर बारिश हो गई है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। तो अभी वापस से मैं जा रही हूँ प्लेटिना मॉल, नीता तो चली गई है उसके घर, क्योंकि इसका घर इतना दूर नहीं है, ये नज़दीक में है, तो वो चली गई है। मैं बस से जा रही हूँ, अभी मैं बस स्टॉप जा रही हूँ। बैंकॉक में है ना जब बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्या इंडिया में भी वैसे होता है क्या गाइस? कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। गाइस आप लोगों को पता है मैं 5 बजे से MBK से निकली थी, अभी तक मैं घर पहुँची नहीं हूँ, प्लेटिनम पहुँची नहीं हूँ घर में। प्लेटिनम इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक है क्या, और बस में भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो खत्म हो रहा है। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर, और कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिया है। अभी अभी मैं सोनिया के घर से आई हूँ, सो सामान निकल गई थी। सोया का घर जो है अभी सर्कल में हुआ है, तो मैं आप लोगों को मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। और हमारा घर भी अभी यू नो समथिंग डिफरेंट कुछ हो रहा है, तो वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किस फॉर देंगे ब्लॉग इन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।